चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निगम चुनाव से एक दिन पहले ही नकली वोटर आईडीज बल्क में प्राप्त हुई है। आपको बता दें, एक शख्स के हाथ में 100 वोटर कार्ड जो है वो लोगों ने पकड़े हैं। इसके साथ ही कुछ लड़ने भिड़ने की वीडियोस भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में, साथ ही साथ जनता भी इसमें मौजूद है, जो उस व्यक्ति को जिसके हाथ में ये वोटर आईडीज थी, और जिस तरह से पता चला है कि वो वोटर आईडी किसी को घर में पकड़ाने आया था, तो फिलहाल जिस तरह की जानकारी हमें प्राप्त हो रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि एक व्यक्ति के हाथ में नगर निगम चुनाव से पहले ये नकली वोटर आईडीज उसके हाथ में देखी गई हैं, और उसके बाद वहाँ की जनता ने उन्हें पकड़ के पुलिस के हवाले भी कर दिया है। जहाँ तक सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है, उसके मुताबिक ये पता चल रहा है कि ये किसी बीजेपी पार्षद के द्वारा भेजा गया व्यक्ति था, ये उसका ड्राइवर बताया जा रहा है। क्या बोला उन्होंने? पूरा कार्ड देने के लिए बोला। कहाँ से आया आपके पास कार्ड? पता नहीं, मैडम ने दिया। किस किस के घर में लेके जा रहे हो? अभी तो नहीं कर दिया। अभी कितने लोगों के बांट आयो? अभी तो नहीं कर दिया, पहला नहीं कर। बाकी कहाँ? बाकी दिखाओ। वोटर कार्ड गुंडागर्दी में जा रहे हो? डुप्लीकेट कार्ड बना के कर रहे हो? ये कमाल करते हो। ये देखो, नाम बताना, नाम का नाम बताना, नाम का नाम बताना, किसने भेजा, किसने? अनीता। पूरा नाम क्या है? ये देखो। और कहाँ से खड़े, कहाँ से हो रहे हैं, क्या है? इसके हाथ में दो ना, पकड़ो इसको जरा। मैं क्यों तो मेरी ड्रेस में लिखे कार्य मैम 1384 में फोन कर। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।